हेलो एनआईएस स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो हम जो है आपका ऑन डिमांड एग्जाम के लिए जो एनआईएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो जो है लेकर आए हैं। देखिए, नॉर्मल इसे एनआईएस में स्ट्रीम 3 और 4 माना जाता है, तो आज हम इसके सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे कि एडमिशन कौन ले सकता है, डेट शीट इसकी कैसे आती है, एडमिट कार्ड हॉल टिकट जो है आपका कैसे जनरेट होता है, थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब होगी मार्कशीट का, तो सारा इश्यू जो है आपको ऑन डिमांड एग्जाम का सारा कुछ आपको बताएंगे। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। देखिए, स्ट्रीम 3 10th क्लास को और जो स्ट्रीम 4 है ये 12th क्लास के लिए यूज किया जाता है, तो एडमिशन कौन कौन ले सकता है। देखिए, नॉर्मली आपने देखा होगा सीबीएसई अदर बोर्ड से अगर कोई स्टूडेंट जो है एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो क्या होगा कि वो क्या करता है, उन्हीं एक दो सब्जेक्ट के पेपर देके एनआईएस से क्या कर सकता है, पास हो सकता है और मात्र 2 महीने में क्या हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं और उनका साल क्या हो जाता है, बच जाता है। अब हम दूसरा जो है लेके चलते हैं कि मान लिया एनआईएस का कोई स्टूडेंट है जो पहले से एनआईएस में एग्जाम दे चुका है, अगर वो एक दो सब्जेक्ट में अटका हुआ है, वो भी साल बचाने के लिए क्या कर सकता है, वो एक दो सब्जेक्टों के ऑन डिमांड, जस्ट लाइक आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो जैसे कंपार्टमेंट आती है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसको, जो एनआईएस बोर्ड से है अगर आप एक दो सब्जेक्ट में रह गए हैं वो स्टूडेंट उन्हीं एग्जाम्स को देकर क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं जस्ट लाइक सीबीएसई और अदर बोर्ड से। तो ये तो खुद ही एनआईएस के स्टूडेंट है। मार्क्स इंक्रीज, देखिए कई बच्चों का 45% या 48% चाहे वो एनआईएस बोर्ड हो चाहे अदर बोर्ड हो, वहां से अगर उनकी परसेंटेज 50 होने में या 60 होने में कुछ कम पड़ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चूज करके क्या कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितने मर्जी चुनना चाहते हैं चुन सकते हैं और उसके बेस पर क्या कर सकते हैं, एग्जाम आपका दे सकते हैं और अपनी परसेंटेज को सुधार सकते हैं। और एक ये चौथा इशू और है, फिर मान लिया एक स्टूडेंट का एग्जाम पढ़ लेते हैं कि उसने लगभग बहुत टाइम पहले जो है अपना पास कर रखा है 12th, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी और इंग्लिश, अब क्या करता है कि उसको बायोलॉजी की जरूरत पड़ रही है कहीं पर, तो वो क्या करेगा कि उसे दोबारा से 12th करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, एनआईएस में स्ट्रीम 4 में जो है केवल एडमिशन लेके बायोलॉजी का एग्जाम देकर वो क्या कर सकता है, पास हो सकता है और मार्कशीट ले सकता है। तो अब आप ये देखिए इसमें एडमिशन कब चलता है, देखिए पूरे साल एनआईएस में एडमिशन चलता है, बस मार्च अप्रैल में नहीं होता है और अक्टूबर और नवंबर में एडमिशन नहीं होता है, बाकी आप पूरे साल कभी भी एग्जाम दे सकते हो, किसी भी मंथ में एग्जाम दे सकते हो। तो देखिए, जब आप कभी भी अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो तो डेट शीट भी आप अपनी मर्जी से क्या है बनाएंगे। होता क्या है इसके ऑन डिमांड के अंदर कि मान लिया मैं मई का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मई के मंथ में क्या है, जैसे आप मैथ का पेपर देना चाहते हो उसकी 2 या 3 डेट होगी, मान लिया जी 5 को हो सकती है, 10 को हो सकती है, 17 को हो सकती है, तो आपकी मर्जी है, वो आपके डैशबोर्ड पे जब आप एडमिशन लेंगे आपको पता होगा आप जिस डेट पे कंफर्टेबल हो आप उसको चूज कर सकते हो। ये नहीं है कि मैथ की जी पूरे ऑन डिमांड पे 2-3 महीने में एक बार ही डेट आएगी, तो आप क्या कर सकते हो 2-3-4 ऑप्शंस में से उस डेट को चुन सकते हो जो जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो। तो ये क्या है आपका कि एक सब्जेक्ट की मल्टी डेट्स होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी डेट को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। और ऐसे ही मल्टी सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनकी भी बहुत सारी ऑप्शंस होती है, यानी कोई एक फिक्स डेट नहीं होती है, तो आपको अपनी डेट शीट खुद बनानी पड़ेगी, चाहे आप 10-10 डेज में एग्जाम दीजिए चाहे 20-20 डेज में दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या है इसके अंदर कि भाई एग्जाम जो है आपका एडमिट कार्ड और हॉल टिकट, एडमिट कार्ड और हॉल टिकट की बात करें तो ये एडमिशन के टाइम पर ही जनरेट हो जाता है क्योंकि लगभग 15 डेज या 1 मंथ के अंदर आपको एग्जाम देना होता है, तो उसी टाइम पर आपको आईडी कार्ड और जो हॉल टिकट है ये जनरेट हो जाते हैं। अब हम देखें आगे आपका कि एग्जाम्स जो होते हैं इसमें थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम होते कहां पर है, देखिए रीजनल सेंटर पे होते हैं या नोएडा हेडक्वार्टर होते हैं या जो केवीज होते हैं या जो आपके पास डैशबोर्ड पर लिस्ट सामने आएगी आप उसमें से कोई भी टाइम चुन सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, थ्योरी एग्जाम पहले होते हैं तो अलग अलग आपकी डेट शीट नहीं आती है क्योंकि डेट आपने खुद ने चुनी है, तो प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल के जो एग्जाम होते हैं वो जिस दिन आप थ्योरी एग्जाम दे के आओगे वहीं पर आपको एग्जामिनर या जो टीचर होंगे वो बता देंगे कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उस सब्जेक्ट के वो कब होंगे,
टीएम में आपको सबमिट नहीं करना होता है, तो आप अपना क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम भी वहीं पर होंगे और वो अपने आप आपको डेट बता देंगे। नॉर्मली उससे एक या दो दिन के अंदर जो है आपका वो हो जाता है। और देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर फाइल वगैरह या प्रैक्टिकल को समझने में कोई दिक्कत हो तो आपको इस चैनल पर सारी जो है आपको प्रैक्टिकल फाइल मिलेंगी, आप उसको डाउनलोड करके बनाकर वहां पर सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, आपका ये सब तो हो गया, इसके बाद रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है, आफ्टर 45 डेज, रिजल्ट आपका 45 दिन के बाद क्या है आ जाता है, जब भी आप एग्जाम दे के आओगे। अब क्या है आपका लास्ट में इश्यू बचता है मार्कशीट, तो मार्कशीट आपको कहां से मिलेगी, जहां आपने एग्जाम दिया था, रीजनल सेंटर दिया तो वहां मिलेगी, हेडक्वार्टर तो हेडक्वार्टर और केंद्रीय विद्यालय में दी है या जिस जगह पे भी आपने एग्जाम दिया है वहीं से आपको मार्कशीट मिलने वाली है। केवल आपने आईडी कार्ड और आधार कार्ड लेके जाना है, आपको वहीं से क्या है मार्कशीट मिलेगी और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहीं पर मिलेंगे। तो आपको हमारी मेहनत और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी आप अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए जिससे उनकी भी समस्या जो है खत्म हो। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए और व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स गाइस।